प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनगवा में मरीजों के साथ भारी लापरवाही की जा रही है। मरीजों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कुछ मरीजों द्वारा आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर जानबूझकर अस्पताल की दवा न देकर बाहर से दवाइयां लाने को मरीज को मजबूर कर रहे हैं। युवा समाज सेवी ओमदत्त तिवारी भाजपा मंडल गरी विधानसभा चौथर में अनुभव सिंह गहरवार और विवेक यादव के साथ मनगवा अस्पताल के मरीजों से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए, वहीं अस्पताल में मौजूद एक व्यक्ति ने हमारे रिपोर्टर से क्या कहा। कहाँ से आए हैं आप? कौन सी अस्पताल है? 20 मरीज को लाए हैं। समस्या क्या है? तो यहाँ क्या समस्या? दवाई नहीं मिल पा रही है बराबर, है ना? कितने दिन से भर्ती किए हुए? तो मतलब कि जिस तरह सरकार व्यवस्था कर रही है, व्यवस्था नहीं हो रही है, है ना? यहाँ पाइप वगैरह पाइप दवा नहीं मिलता है, बाहर पड़ता है ना? हवा पानी ही नहीं निकाल रहे। तो क्या शासन से आप चाहते हैं? अच्छा है ना, मरीज आता है यहाँ तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको मिलना चाहिए, है ना? अभी यहाँ पे कोई नर्स सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को नहीं तैयार, तो क्या करेंगे अभी? चलिए, सरकार बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान करेगी अगर चाहेगी तो। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए खबरदार न्यूज। तब तक के लिए।